अधिक्षण नमस्कार भी जा रहे हैं। हमने इससे पहले अपनी तंजीम गाई थी, पहले उनको मुकम्मल किया, रीजनल ऑर्गेनाइजर्स डिस्ट्रिक्ट ऑर्गेनाइजर्स तंजीमी बनाए, इलेक्शन हुए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, वो बना हमने मुकम्मल पूरे बलिस्तान में कर दिया। हालांकि इलेक्शन ड्यू तो पहले ही था, कुछ वजूहत की बुनियाद पर हमने थोड़ा इसको डिले कर दिया। दो चार दिन पहले भी खबर चला था इलेक्शन के हवाले से, 14 तारीख हो गई है, ये हम इलेक्शन करने जा रहे हैं 19 तारीख इंशाल्लाह। 13 तारीख को हम जितने भी हमारे इस लोकल पार्टीज के इलेक्शन हुए हैं, बहुत से लोगों को हमारे पार्टी टिकट पहुंच गया, बहुत से लोगों को पहुंचे भी, बहुत से डिस्ट्रिक्ट में जो बगैर टिकट के जो नाम इलेक्शन जीत के आए हैं, उनके लिए हमने 13 तारीख को प्रोग्राम रखा हुआ है। उस प्रोग्राम का सदारत चीफ मिनिस्टर साहब खुद करेंगे। काफ़ी अच्छे से लोग पार्टी के मुताबिक बातें करते थे, जो अफवाहें थे, जो प्रोपोगंडा कर रहे थे, ये कभी इलेक्शन हो ही नहीं सकते, नहीं कर सकते, वो तमाम प्रोपोगंडे और ये सारे आज दम तोड़ रहे हैं। 14 तारीख को इंशाल्लाह हम अपने पार्टी का इलेक्शन 19 तारीख को करने जा रहे हैं। पार्टी बात दरअसल ये कि ऐसे छोटे मोटे ऐसे इख्तलाफात तो तमाम पार्टियों में होता रहता है। बात यह है कि वीर साहब आज वजीर आला है, वो पार्लिमानी लीडर है। सदारत उस दिन खत्म हुआ जिस दिन इलेक्शन कमीशन की तरफ से हमें नोटिस आया, फिर दूसरा आया, फिर तीसरा आया, चौथा आया। उसका इख्तलाफात बुनियाद नहीं था, उसका बुनियाद था हमारे तंजीमकारी मुकम्मल नहीं था। बाकी ये जो इख्तलाफात थे वो असेंबली मुबरान तक था, पार्टी के अंदर कोई ऐसी बात नहीं थी। वो आप लोगों ने खुद देखा, एक कदम एतमाद आ गया, दूसरा आ गया, वो पार्लिमानी मुमरान का अपना वो था, पार्टी के अंदर कोई ऐसा हुआ नहीं। ये होता है हर पार्टी में, छोटे मोटे वो प्रबंधक की आपकी मेरे साथ है, उसका उसके साथ है, उसका उसके साथ है, पार्टी में कोई इख्तलाफ नहीं ना है।